नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। इमेजिन करो, अगर लोगों के फेल होने पर आपने उनका मजाक उड़ाना बंद कर दिया तो कितने ही लोग सक्सेस के लिए ट्राई करेंगे, कितने ही लोग सिंगर बनने के लिए ट्राई करेंगे, कितने ही लोग बिजनेस करने के लिए ट्राई करेंगे, कितने ही लोग जॉब ढूंढने के लिए ट्राई करेंगे, कितने नई इन्वेंशंस होने की ट्राई होगी। लोग इसीलिए ट्राई नहीं करते हैं कि उनका मजाक उड़ता है। हमने फेलियर को एक बुराई मान लिया है, जबकि फेल होना एक बुराई नहीं है। फेलियर्स के बाद ही कामयाबी है। अगर आपने लोगों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया और लोगों ने आपका मजाक उड़ाना बंद कर दिया, तो इस फेल पास फेल पास फेल पास के प्रोसेस में कितनी ही नई इन्वेंशंस हो जाएंगी, नए स्टार्टअप्स होंगे, नए आर्टिस्ट पैदा होंगे, नए बिजनेस होंगे, नई डिस्कवरीज होंगी। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना मैसेज दे पाया हूं। आज के बाद आप किसी और का मजाक नहीं उड़ाओगे और ना ही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। कोशिश करो, गिरोगे फिर उठोगे, फिर गिरोगे फिर उठोगे, क्योंकि हर कामयाब इंसान के पीछे कितने ही फेलियर्स हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन सारे के सारे इलेक्शंस नहीं जीत पाता है, कोई भी पॉलिटिशियंस सारे के सारे इलेक्शंस हारता भी नहीं है। किसी भी राजा ने, किसी भी महाराजा ने सारी की सारी लड़ाइयां नहीं जीती हैं। कोई भी व्यापारी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट सारे प्रोजेक्ट्स में कामयाब नहीं होता है। मजाक उड़ाना बंद कर दो, कंट्री ग्रो हो जाएगा। अगर मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।